खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नोहर सोती दीप लाना संपर्क सड़क मार्ग पर मिट्टी से भरे अवैध ओवरलोड ट्रैक और ट्रैक्टर दिन रात मिट्टी का परिवहन करते रहते हैं, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपको बता दें, सोती गांव के पास काली दोमट मिट्टी प्रचुर मात्रा में है, जिन्हें कुकुरमुत्तों की तरह फैले ईंट भट्टों वाली ईंटों को बनाने में काम में लेते हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि सोती गांव के खेतों में इस काली मिट्टी को भी अवैध रूप से खोदा जा रहा है, जिन पर किसी प्रशासनिक अधिकारी की नज़र नहीं पड़ रही है। अवैध मिट्टी के कारण ईंट भट्टों पर इन मिट्टियों का परिवहन दिन रात ट्रैक्टर व ट्रकों से होता रहता है, जिसके चलते सड़क मार्ग पूर्णतः जाम हो जाता है। वाहन चालकों को ये अवैध रूप से चलने वाले ओवरलोड वाहन साइड भी नहीं देते हैं, जिनके कारण नोहर दीपलाना सड़क पर चलने वाले वाहनों को भारी परेशानी होती है। जागरूक लोगों ने नोहर परिवहन अधिकारी को मामले से अवगत करवाकर इन अवैध रूप से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने की मांग की है।